नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी आरओ का शुद्ध पानी पीते हैं तो हो जाइए सावधान। डॉक्टरों ने दी है बड़ी चेतावनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। हाल ही में विशेषज्ञों ने बताया कि आरओ यानी वाटर प्यूरीफायर से साफ किया हुआ पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे पानी में मौजूद खनिज पदार्थ भी खत्म हो जाते हैं। एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के ज़्यादातर घरों में स्वच्छ पानी के लिए आरओ यानी वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है। आमतौर पर हमें यह बताया जाता है कि आरओ का पानी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यही कारण है कि हम अपने घरों में महंगे से महंगा वाटर प्यूरीफायर लगवाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विशेषज्ञों ने आरओ का पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक बताया। दरअसल हाल ही में आरओ सिस्टम पर एक वेबिनार हुआ था, जिसमें विशेषज्ञों ने बताया कि आरओ यानी वाटर प्यूरीफायर से जब हम पानी पीते हैं, साफ करते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान न सिर्फ पानी की गंदगी खत्म होती है बल्कि पानी में घुले खनिज पदार्थ भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे में आरओ का पानी जब शरीर के अंदर जाता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। साफ साफ कहा जाए तो आरओ के पानी का लंबे समय से सेवन करने से शरीर में कई तरह की समस्याएं और बीमारियां पैदा हो जाती है। इस वेबिनार के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि अगर आप अपने घर में आरओ का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि प्यूरीफायर किए गए पानी में कम से कम 200 से 250 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से ठोस पदार्थ घुले हुए हो। अगर आप ठोस पदार्थ वाला पानी पीते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी जरूरी खनिजों की सप्लाई होती रहेगी। बता दें कि इस वेबिनार से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आरओ फिल्टर के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। साल 2019 में ही WHO ने कहा था कि आरओ फिल्टर पानी को साफ तो करती है लेकिन इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को ख़त्म कर देती है। ये मिनरल शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए बेहद ज़रूरी है। WHO के अनुसार इसे पीने वाले पानी का TDS 300 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। TDS लेवल 900 से ऊपर है तो उसे भूल कर भी नहीं पीना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में मेदांता अस्पताल में गैस्ट्रोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अश्विनी शेत्या ने कहा कि आरओ से फिल्टर करने के दौरान जरूरी खनिजों का खत्म हो जाना सच है। ऐसे में आरओ से बेहतर है कि आप उबला हुआ पानी पिए। उन्होंने कहा कि पानी से आवश्यक खनिज खत्म होने से इम्यूनिटी पर काफ़ी असर पड़ता है। डॉक्टरों ने आगे कहा कि लंबे समय तक बोतल बंद पानी पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन सामान्य आरओ का पानी पीने से आपके शरीर को ना तो किसी तरह का फ़ायदा होता है और ना ही किसी तरह का नुकसान। आरओ से पानी फिल्टर करते समय TDS लेवल 70 से 150 के बीच होना ज़्यादा सुरक्षित है। SSC हॉस्पिटल के एक स्टडी में पता चला है कि काफ़ी लंबे समय तक आरओ का पानी पीने से आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इस अध्ययन में पाया गया कि फिल्टर से पानी की सप्लाई करते वक्त आरओ कोबाल्ट भी अलग कर देता है। ये विटामिन B12 का जरूरी तत्व है। रिसर्च में देखा गया कि आरओ वाटर पीने वाले लोगों के शरीर में विटामिन B12 नॉर्मल लेवल से नीचे होता है। एक्सपर्ट की माने तो पीने वाले पानी का TDS अगर 500 से नीचे है तो उसे पीने योग्य माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा TDS वाला पानी पीने से बचना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट।